बैक टू अदर वीडियो दोस्तों, आज हम मंडे को जो कि आज 24 जुलाई को आज हमने बहुत ही बढ़िया से दो ट्रेड लिया है आज के मार्केट में। जो कि हमने दोस्तों एक बात बताया था कि आज मार्केट गैप डाउन गैप अप या फ्लैट खुलेगा, बट हमारा वो प्रेडिक्शन गलत निकल गया। मैं भी दोस्तों देखिए दोस्तों मैं अपने आप को बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको धोखे में रखूँगा तो यार आपका भी लॉस होगा, मेरा भी लॉस होगा। दोस्तों एक हमें भरोसा बनाना है आपके ऊपर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, आज हमने दो प्रॉफिटेबल ट्रेड किया जो कि ये हमारा ट्रेड रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था सुबह में स्टार्टिंग में ही, जो कि हमारा वो 9:28 या 30 मिनट में मैंने वो ट्रेड लिया था, जो कि जिसका मेरा स्टॉप लॉस मैंने ज़्यादा नहीं रखा था। अगर वो मैं चाहता तो मेरा प्रॉफिट बनता वहाँ, बट मैंने 95 रुपये में जो कि सी बुक किया था 95 रुपये में 19,750 पे। आप जाकर पर देख लीजिएगा सुबह का मार्केट जो कि 9:28 या 30 मिनट के टाइम पे था, वो उस टाइम मैंने 95 रुपये में एक प्राइस का शेयर उस टाइम चल रहा था, तो मैंने 1 लॉट ख़रीदा, वहाँ पे एक लॉट ख़रीदा जहाँ पे मैंने 90 रुपये अपना स्टॉप लॉस टाइप का लगाया था, जो जिससे मैंने मेरा माइंड सेट था कि मैं अगर 90 रुपये ये मार्केट आता तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। बट देखिए मेरा किस्मत, वहाँ मार्केट 90 रुपये तो हिट किया ही, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद 89 रुपये में जब 89 रुपये में मार्केट आया, वहाँ से मार्केट तुरंत ब्रेकआउट देकर बहुत ही बढ़िया ब्लू साइड चला गया, जिस उस टाइम मैं मार्केट से एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरा सिद्धांत था कि जो हमारे स्टॉप लॉस है उससे ज़्यादा लालची नहीं करना, हमें वहाँ एग्जिट कर देना, या जो हमारा प्रॉफिट बुक होने वाला है वो बुक हो गया तो वहाँ से निकल जाना है। ट्रेल मैं बहुत कम ही करता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा चांस दिखता है तो मैं ट्रेल करता हूँ। तो दोस्तों हमारा उस टाइम हमने एक मतलब ट्रैप में मैंने ट्रैप फंसा था, मतलब मान लीजिए मैं ट्रैप हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइम पता था कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे चैट देख कर लग रहा था कि हाँ प्राइस एक्शन देख कर लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाने ही वाला है। बट क्या हुआ कि मैंने जो बताया था 5 रुपये, अगर मैं अपने माइंड सेट को अगर परसेंटेज के ऊपर रखता या 10% या 15% लॉस सह कर चलता ना, तो वहाँ मैं जो मेरा मैंने बुक किया था 19,750 95 रुपये में, वो मुझे मेरा जो टारगेट था 115 रुपये 110 रुपये के आसपास, वो मेरा पक्का कंफर्म होने वाला था। क्योंकि आधा घंटा बाद ही जब 10:10 पर मैंने दोबारा मार्केट में जब एंट्री किया तो देखा कि वो प्राइस एक्शन वो ट्रेड 124 125 रुपये चल रहा था, तो मुझे उस टाइम बहुत बड़ा धक्का लगा। फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर मैं थोड़ा और रिसर्च किया, फिर 10 नकदे मतलब मुझे लग रहा है कि 10:38 में, उसके बाद मैंने 10:38 में और यहाँ पे देखिए मैं बता दिखाता हूँ आपको, 10:38 पर लगभग मैंने यहाँ पे सॉरी ये इधर आया यहाँ पे देखिए 10:38 पर मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ ट्रेड सॉरी यहाँ पर 10:00 नहीं सॉरी गलती हो गया, यहाँ मैंने यहाँ ये रहा ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने लिया था, क्योंकि देखिए 10:10 पर देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं यहाँ जो मैंने रेजिस्टेंस जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लाइन मार्क किया है उसको ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर जा रहा था, बट वहीं पे एक बेरिश कैंडल बन रहा था जो कि आपको यहाँ छोटा सा दिख सकता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये जब कैंडल बना ना दोस्तों, इसके बगल वाला ये वाला जब कैंडल दोस्तों बना ना, तो मुझे डर लगा कि फिर से मार्केट कहीं मुझे ट्रैप मार कर ले, तो मैंने वहाँ छोड़कर फिर थोड़ा वेट वेट कर देखा, मैंने फिर देखा मैंने ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो मैंने एकदम नीचे ही तुरंत ले लिया था 19,800 उस टाइम से ये, और मैंने यहाँ तक जो मैंने यहाँ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया था दोस्तों, मुझे पता था कि अगर यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, मुझे लग रहा था, मतलब मैंने जितना भी माइंड सेट बढ़ाया था ना, मैंने मेरे माइंड सेट से लग रहा था कि यहाँ मार्केट जाने वाला नहीं, यहाँ से सस्टेन करेगा और फिर सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे आएगा, वही हुआ। उसके बाद मार्केट मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं दो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड भी किया, तो जहाँ मुझे आज 2500 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जो मेरा कैपिटल था 4000 रुपया, क्योंकि मैंने एक बार निफ्टी में पुट लिया और एक बार सी लिया था। सी मैं दो बार लिया हूँ, जिसमें एक बार मेरा सी स्टॉप लॉस हिट होगा सी में, और एक बार प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, बट जो मैंने पी वाला प्रॉफिट लिया ना दोस्तों, यहाँ बहुत ही अच्छा मुझे प्रॉफिट मिला है, क्योंकि देखिए जो मैं यहाँ प्रॉफिट किया वो पैसा और मेरा कैपिटल 4000 वो दोनों मिलाकर मैं यहाँ पर लगाया था, तो मुझे आराम से यहाँ 1500 रुपये आगे 1000 रुपये उसमें आया था दोस्तों, वो मेरा आज का दिन बन गया था। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, देखिए जहाँ तक अगर मैं चाहता, मैं देखिए मैंने बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा हूँ, मैं देखता हूँ मतलब हमेशा अभी भी मैं नॉलेज लेता रहता हूँ, तो जो मैं IITN एक ट्रेडर है उनको मैं देखता हूँ वीडियो, तो बोलते हैं ओवर ट्रेड नहीं करने के लिए, तो अभी ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मुझे लगा कि यहाँ मेरा प्रॉफिट मेरा आज का काम हो गया तो मैं यहाँ दोबारा ट्रेड नहीं लिया, देखिए अगर चाहता तो मैं यहाँ भी ट्रेड ले सकता था सी में, यहाँ भी बहुत ही बढ़िया बुक मिला, और
और दोस्तों देखिए आजकल दोस्तों जो मार्केट चल रहा है ना, यहाँ स्कैल्पिंग करने वाले का जरवा ही जरवा होने वाला है। देखिए स्कैल्पिंग यहाँ बहुत ही अच्छा अच्छा चल रहा है। और देखिए यहाँ जब यहाँ तो मार्केट ऊपर हुआ इधर, तो ये 1-2 बजे करीब में भी बढ़िया मार्केट दिया, फिर लास्ट में मार्केट नीचे आ गया। तो दोस्तों यही हमारा था आज का दो प्रॉफिट। जो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ग्रो ऐप का मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन, वो डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ कोई ब्रोकर चार्ज नहीं है, तो आप भी डाउनलोड कीजिए ग्रो ऐप को। और दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।